हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड कैश एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम आए इंदौर के अंदर सराफ एक्सप्लोर करने रात में। एक स्कल पिज़्ज़ा लगाना। ये पनीर टिक्के की ग्रेवी है भैया। क्या रहता है भैया इसका प्राइस? सभी का सेम रेट है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। क्या तो ये अपना स्कल पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया गाइस, ये चेक करो, ये हमारा स्कल है। थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ मैं आपको इसमें, ये इसका मैंडी वाला है, इसका मैक्सिला, ये इसका स्पिनोडल लेयर है जिसके अंदर भैया ने चटनी भर दी है, म्यूनिस नहीं, म्यूनिस तो नहीं है, सॉसेज है इनकी अपनी, इसकी फ्रंटल बोन ऑक्सिपिटल फालतू की बकचोदी। तो इसे एक बार कट करवाते हैं और फिर खा के देखते हैं, कट करना भी। तो ये भैया ने इसके दो पीसेस कर दिए, इसका नीचे का जो मुँह है वो अलग कर दिया और ऊपर का फोल्ड अलग कर दिया, इसको खा के देखते हैं अब। बढ़िया भी, थोड़ा स्पाइसी भी है खाने में, बाकी यार सी फिलिंग देखो भाई, बढ़िया एकदम भर भर के फिलिंग डाल रखी है। चीज़ देखो इसके अंदर भाई, ये देखो चीज़ का टेस्ट आपको एक नंबर आएगा इसमें। बाकी थोड़ा सा स्पाइसी है, ऊपर से भैया मसाला डाला ना, मसाले का मेन स्वाद है इसमें। बाकी फिलिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, 100 रुपये इसका पूरा प्राइस है यार, बढ़िया सा। Thank you.
दो शॉट आते हैं एक बाव में से। एक शॉट लेना कॉम्प्लीमेंट्री है वो। कटोरी चाय चीज़ वाली बना रहे हो ना भैया? चीज़ वाली है ना? हाँ ये बेस बन रहा है। शुरुआत से बनाने को मिले ये दही है। ये क्या रहे हैं? मसाला ये? ये मीठी चटनी है। मीठी चटनी गाइस ये है हमारी चीज़ कटोरी चाट जिसका प्राइस है 120 रुपये। 120 रुपये में हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस। लेकिन देख ली होगी आपने कितनी खतरनाक थी इसकी। एक शॉट में आना है इसको पूरा। इंसानों की तो रखा देखो यार छोटा है छोड़ दे बोतल गिरा दे नीचे छोड़ देना बोतल एक आलू से चीज पार्सल कर आलू से पार्सल एक बार ना बेल के आराम से फेंकना भैया रुकना एक मिनट इधर फेंकना है किधर इधर इधर ले लो लो ₹90 बेटा
लगा दिया मैंने, दो मिनट में काउंट है ना। तो भाई अपना शाही पराठा बन के रेडी हो गया, ये देखो। और भैया ने बहुत सारे पीसेस में से कट करके रख दिया हुआ है, बाकी इसके अंदर सेव डाल रखी है, आलू डाल रखा है, पनीर डाल रखा है, बहुत सारा चीज़ भी है, बटर भी है, बटर भी है। तो भाई ये पराठा एक बार ट्राई करके देखते हैं, बाकी यार मेकिंग तो बहुत शानदार लग रही थी, टेस्ट देखते हैं। जब मतलब पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है, चीज़ भर भर के है भाई, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ है, यहाँ पे परेशान हो गया मैं तो चीज़ खा खा के। इसमें यार चीज़ और पनीर थोड़ा भरभर डाल रखा है, तो थोड़ा ओवर पावर कर रहा है वो टेस्ट को। आलू का टेस्ट आपको थोड़ा सा कम फील होगा, चीज़ ज़्यादा आएगा मुँह में। वैसे यहाँ के हर एक आइटम में चीज़ बहुत ज़्यादा डाल रखा है, इस वजह से ना थोड़ा सा टेस्ट जो है वो बाकी अच्छा है, बस चीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। और सर आप हमें देखते हैं हमें क्या क्या ट्राई करना है अभी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो थोड़ा फटाफट से आपका की डिशेज दिखाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो वगैरह लाइक करना मत भूलना।